रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होने के बाद अपने कॉटेज से बाहर निकल चुकी हूँ। पीछे वहाँ आपको गुड्डू दिख रहा है। मैं ये जो है स्वेट जैकेट पहनी हूँ, जींस एंड ये टी शर्ट। ये टी शर्ट इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा उलेन है। अगर आप आते हो तो, अगर आप इस रिजॉर्ट में आते हो तो आपको जिस रूम में मैं रह रही हूँ उस रूम का एक दिन का प्राइस है 5760, मीन्स 6000 पकड़ लो आप, 6000 रुपये एक दिन का है, जिसमें आपको डबल बेड मिलता है, जो आप देखे हो वो मिल जाता है आपको पूरा। यहाँ पे एक और फैमिली रूम है, उधर देखो आप, वहाँ देख रहे हो वो फैमिली है, उसके अंदर आपको दो रूम मिलता है, मीन्स दो रूम मिलता है, दो बाथरूम मिलता है और बीच में एक छोटा सा ऐसे करके मिलता है, जिसमें छोटा सा डाइनिंग टेबल टाइप का मिलता है, जिसमें आप खा सकते हो, खा वगैरह सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। वो लंबा ऐसे है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं भी अगर आप बाहर जाते हो तो आपको अगर वाइब्स अच्छा मिलता है रूम को लेकर के और वो एरिया को लेकर के, तो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे अभी दिन के बज रहे हैं 1:51 हो रहा है और लंच का ऑर्डर गुड्डू दे चुके हैं, तो अभी लंच आने वाला है। लंच में ऑप्शन था बटर पनीर, फिर मटर पनीर, देन पालक पनीर। तो गुड्डू फाइनली बोले कि नहीं, ये चाहिए मुझे, बटर पनीर दे दो। तो बटर पनीर का ऑर्डर हो गया है और उसके बाद जो है फुलका यहाँ पे मिल रहा है, तो फुलका और दाल फ्राई, तो और जीरा राइस। तो ये ऑर्डर हो चुका है, जब अभी खाऊंगी तो मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, एक चीज़ आप, मैं आपको बताऊं, आते हो तो अगर वो कॉटेज लेते हो तो इसका तो प्राइस मैं बता चुकी कि जिस कॉटेज में मैं हूँ उसका प्राइस क्या है, और इसका जो प्राइस है वो 3000 समथिंग कुछ है, 3000-3500, वो जो फैमिली वाला है वो। बट उसके वाइब्स अच्छे नहीं आए, इसलिए हम लोग वो नहीं लिए। धूप में एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए धूप के अंदर मीन्स खड़े रहना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और एक मिस्टेक ये हो गया कि ये देखिए, आपको दिखाऊं, दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिखा, ये देख रहे हो ना आप, मैं सैंडल लेकर के आ गई हूँ। मुझे एक्चुअली जूती लाना चाहिए था, बट ये है अंशु बदमाशी करता हुआ। ओके ओके, अब मास्क पहन करके, वो मास्क पहन के, ओ हो यो, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सेफ्टी फर्स्ट, वेरी गुड, नो सेफ्टी, सही बात है, मैं बिना सेफ्टी के घूम रही हूँ। बिहारी प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग लोहा, नहीं बोलते ऐसे, नहीं बोलते। ओके, तो ऑर्डर हो चुका है लंच का सब कुछ, और लंच करूंगी उस समय मैं आपको जरूर दिखलाऊंगी, लंच करूंगी तब आपको दिखलाने वाली हूँ। अभी तत्काल गोल्डी व्हील बना रही है, और ये गोल्डी व्हील बना रही है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं धूप में, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। ओहो, स्लो पीपल, स्लो कछुआ, मी इंसान, मी स्पीड, स्पीड स्पीड। एरिया नाइस, थैंक्स एरिया, जंगल, लंबा रोड है, पता नहीं कहाँ एंड जाता है, नो क्लू, नो क्लू, मैप पे है पर भी मैप कौन जाएगा लेने। अंशु एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा है बताओ,
दिखाओ बताओ। मेरा टेस्टी खाना आ रहा है, माहौल अच्छा है, ओके, पढ़ाई पढ़ाई का टेंशन नहीं है, का टेंशन नहीं है, सबसे बड़ा इसलिए लाए हैं हम लोग खेल सकता हूँ कि इधर, टाइम पास कर सकता हूँ। यस। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो बता क्या? दो इनको, कि आते हो तो इंटरनेट का बता दो, हाँ, जो फर्स्ट टाइम आते हैं उनको। यहाँ पे आपको इनका जो MTDC है उनका वाईफाई घर के बाहर, तो मतलब कॉटेज के बाहर तक ही आपको मिलेगा। अगर आपको कॉटेज के अंदर चाहिए तो फिर आपको लेना पड़ेगा अलग से, प्रो लाइन करके इधर है वाईफाई प्रोवाइडर उनका रहेगा, तो उसमें उसमें उनका पैकेजेस है। पहले 15 मिनट फ्री है ट्रायल के लिए, देन 100 रुपीज़ फॉर 1 GB पर डे एंड 200 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स अनलिमिटेड। वो आपका एक ही डिवाइस पे चलेगा, तो देख लो उसके हिसाब से आप किस में लेना है। एक मैंने अपने डिवाइस के लिए लिया है 24 आवर्स अनलिमिटेड, और एक वहाँ पे गोल्डी ने अपने डिवाइस के लिए लिया है 24 आवर्स अनलिमिटेड। अनलिमिटेड एकदम मस्त, उसका रेंज फुल आता है। वो हर एक जैसे देख रहे हैं आप उधर वाइट वाला, वैसे हर एक उसमें उन्होंने अपना डाल के रखा हुआ है वाईफाई का वायर, तो उधर आपको अच्छा मिल जाता है रेंज उसकी वजह से। 200 रुपये ठीक है, अच्छा अनलिमिटेड मिल रहा है कोई ज्यादा टाइम नहीं पास। है। हाँ, और स्पीड भी अच्छा है, अच्छा गेम वेम खेल सकते हो, पैकेट लॉस आएगा वो बात अलग, बट पिंग अच्छा रहेगा अगर गेम खेलते हो बैठ के, तो जो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ, मैंने लैपटॉप नहीं लाया गेमिंग के लिए, मैं अपना इधर से टाइम पास कर रहा हूँ। अभी शाम में हम लोग बहुत ज्यादा स्नैक्स खाने वाले हैं, वो भी हाँ, दिखलाऊंगी। मैं मस्त, मैं अपना तो क्या कहाँ पे था मैं, तो हाँ, वाईफाई का लगा बहुत के रखा वाईफाई का ये होगा, लगा के रखा इधर ही, दिखा देता हूँ कहाँ पे ये प्रो लाइन। रुको, ये प्रो लाइन है, दिख रहा होगा प्रो लाइन सर्विसेज, ये वाला है जो आपको अच्छा फुल ऐसे फुल टावर दे देगा अंदर, उसका वो बता भी देते हैं आप सर्विस में, उधर कॉल करके पूछेंगे तो बता देते हैं वो लोग। अच्छा खासा उसका पैकेज है, स्पीड भी अच्छा है, मज़ा आ जाता है उसके हिसाब से। क्या? तो वही सब है। एंड द मेन थिंग, मैं जो मंगवाने वाला हूँ, मेरा लिस्ट तैयार है, लाइक लिजिट लिस्ट मेरे दिमाग में तैयार है, जिसी पापा बोलेंगे शाम के लिए क्या ऑर्डर करना है, मेरा लिस्ट तैयार है, मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, रात को बोलेंगे डिनर में क्या है उसके लिए लिस्ट तैयार है दिमाग में, इसमें चूज चूज करके रखा हो दिमाग में कि कब क्या मंगवाना है, तो लाइक यू नो बस इन शब्द खाना में ऑर्डर कर लो, वो शब्द सुनने की देरी है। अभी तो फुल्का है, बटर पनीर है, बटर, हाँ बटर पनीर, दाल एंड जीरा राइस। यस, तो चलिए मिलते हैं रूम में, बाय बाय। खाना इस तरह से लेके आते हैं देखिए, ताकि बंदर जो है वो, वास्तव हाँ बंदर जो है वो फेंक ना सके, मीन्स खा ना सके, ले ना सके। तो ये देखिए आ चुका है हमारा लंच, और ये है फुलका, दाल फ्राई और बा, ये ब्रांड तो पानी का, तो भाई मैं पहली बार, नहीं नहीं मैं, हाँ पहले बार भी आए थे तो था, लेकिन ये सब ब्रांड जो है ना आपको बहुत सारी बार आया हूँ इसलिए हिल क्या स्टेशन पे ही देखने को मिलेगा, बस यस कि यहाँ पे गोल्डी दीदी है। तो ये देखिए अंशु तो अभी बोलने के मूड में भी नहीं है, ऑरेंज में देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है इसका फेस कैमरा के अंदर। तो ये जो देखिए पनीर अंशु कैसा बनाया, बड़ा अच्छा बना, बहुत टेस्टी है। तो मैं अंशु पूरी बाबू रसीद अपना निकाल लूँ, दबाते जा रहे इतनी हैं, टेस्टी है ये और गोल्डी दीदी पूरा यहाँ घर भर के है। आया था क्वांटिटी हाँ में। क्वांटिटी की अगर बात करते हो तो चार लगता है, पांच अच्छा 5 जन खा सकते हैं मेरे हिसाब से, 6 जन, बट गुटू के हिसाब से कि 5 जन खा सकते यहाँ हैं। ही पनीर तो है, ये है पति देव मेरे, नहीं यहाँ का पनीर अलग है, वो नहीं टोफू था। हाँ वो ये नहीं ये भी वही है।
ये भी वही है क्या? ओके ओके, तो ये वही मिलता हाँ, है। तो ये गोल्डी दीदी दबा रही हैं, यहाँ पे पति देव मेरे दबा रहे हैं, यहाँ पे बेटा और आप सब। दबाइए। अब मैं, मेरा भी यहाँ रखा हुआ है, तो मैं भी खा लेती हूँ, फिर बात करते हैं। इसके आगे नहीं जा सकते, राजभवन कार्यालय है आगे। राजभवन आ गया, तो ये है राजभवन। इधर असेंबली होता है, असेंबली पर होता था। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके रुकते होंगे। हाँ, हमको बोले थे, फिर नहीं बोले थे तुमको? इसमें लोग लिखने बोल रहे हैं, सुप्रमा देखो यहाँ पे है। और गवर्नर हाउस आगे है, गवर्नर के लिए केवल, और ऑफिशियल गेस्ट हाउस है। अभी तुम्हारे पास है ना बेटा? अच्छा, ये इंजॉयमेंट अलग है यार। होने के लिए होना। तो आप लोग सोचोगे कि छवि अभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी तो लंच किए थे। इधर से आए थे ना? तो हम लोग लंच तो कर चुके थे, तो गुड्डू कहे कि थोड़ा बाहर से घूमने जा रहा हूँ। मैं बोले कि चलो, हम जब घूमने जा रहा हूँ तो फिर भाई लटको, जहाँ पति देव जाए वहां पे लटक जाने में फायदा है। तो मैं लटकी, तो हम लोग सब इंजॉय कर रहे हैं महाबलेश्वर और कौन सा टापोली, टापोली इंजॉय की है ना। तो मैं बोले कि ठीक है, आप जा रहे हैं तो हम लोग भी चल रहे हैं। तो गुरु कहे कि बस ज्यादा दूर नहीं जाना, बस थोड़ी दूर पे जा रहा हूँ। चलिए थोड़ी दूर हम लोग भी घूम के चलते हैं। तो फिर थोड़ा रिजॉर्ट से थोड़ा बाहर निकले हैं, और हाँ ये होटल सब है, बाहर में भी होटल है, टूरिस्ट बैग के लिए अवेलेबल। यहाँ आते हो तो अगर आपको अपनी गाड़ी नहीं है तो यहाँ पर आपको व्हीकल आपको मिल जाएगा। देखिए अभी शाम के बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है, और अभी चाय और भजिया जो है वो आया है। अभी भजिया और चाय पी रही हूँ। ये अंशु और गोल्डी का ग्रिल सैंडविच है, और गोल्डी रेडी हो रही है रील के लिए। तो दोस्तों अभी 7:00 होने वाला है शायद। कितना टाइम हो रहा है बताओ? 6:18 हो रहा है, 6:18। मुझे इतनी ठंडी हो रही है गोल्डी के ये फोटो शूट के चक्कर में, मेरा जान निकल जाएगा, मैं पूरा कांप रही हूँ। वो फोटो शूट के मैं किधर उधर से चढ़ के इतनी ऊंचाई पे हूँ, मेरा 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 पूरा हाथ कांप रहा है। इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो नहीं बना रही है, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। एक बना दी हूँ मैं, वो अच्छा नहीं आया। मेरा कैमरा ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कांप रहा है मेरा कैमरा, हाथ बहुत ठंडी लग रही है, और मैं बहुत 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 ज्यादा। गाड़ी आ रही है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। मीन्स महाबलेश्वर भैया, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आ जाइए महाबलेश्वर भी। और जैसे कॉटेज में मैं रुकी हूँ, वैसे कॉटेज में आप रुकिए और इंजॉय कीजिए, कृष्णा कॉटेज। और मेरा कॉटेज नंबर है 5 था, मैं जाऊंगी नंबर 5 में हूँ मैं। और जाओ भाई, फोटो खिंचवाना है। अरे गोल्डी बहुत ठंडी है, एक्सेस ठंडी है, जल्दी निकलो भैया। फैमिली सब अभी जा रही है, बाय बाय, बहुत ठंडी। हाँ, तो ये लोग क्या खा रहे हैं भाई? ये लोग खा रहे हैं फ्रेंच फ्राई। देखना है बिग बॉस? यस। शार्क भी देखना है? हाँ, शार्क 9 बजे से, वो टाइम पास है 1 आवर फुल यहाँ पर। हाँ खत्म हो गया। हाँ वो कॉर्नर में आप देख रहे हो, आप मामा कॉर्नर में खा रहे हैं, पता है क्या? तुम लोग काफी खत्म हुआ कि नहीं? नहीं लाई ना। क्यों? नहीं लाई, भूल गई।
मैं अपना आप देख रहे होगे कि मैं कौन सा खत्म हुआ कि नहीं। हाँ आप जो देख रहे हो कि ये ब्लैंकेट है तो ये ब्लैंकेट मेरा खुद का ब्लैंकेट है, ये होटल वाला ब्लैंकेट नहीं है, मैं अपना ब्लैंकेट उड़ के बैठी हुई हूँ। आगे भी कुछ बोलो के अलावा कुछ नहीं बोलता है, ये बहुत इंजॉय कर रहा है। मेरे अंशु की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी ना, मैं ओवर वॉइस भी नहीं दूंगी और कोई गाना भी नहीं लगाऊंगी। अंशु का रहने दो, बोरिंग होगा तो होगा, देखो हाँ। अंशु मेरा यहाँ पे 2 साल का बच्चा बना हुआ है, मतलब 2 साल के तो मैकडी से भी टेस्टी है। 2 साल का बच्चा बना हुआ है मेरा बेटा, कर रहा है अभी। आप लोगों को दिखलाया, वो क्या दिखलाया पता है क्या? नहीं समझ में आया ना, मैं आपको बताती हूँ। दिखलाया है कि जो ब्लैंकेट इन्होंने दिया है वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है, रेमंड्स का ब्लैंकेट है। मैं फ्रेंच फ्राई नहीं खाई हूँ, यहाँ पर इतनी ठंडी है। आप सोचोगे जैसे मैं बता रही थी बीच में ही बात रहेगा, तो ये मैं अपना ब्लैंकेट लेकर के आई हूँ, वही मैं ओढ़ रही हूँ। खुद का सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, तो मेरा ये बहुत बड़ा वाला माइनस पॉइंट है। आप क्या कहिएगा छवि का, ये माइनस पॉइंट माइनिया की बीमारी है, मतलब जहाँ जाओ अपना एक ब्लैंकेट लेके चले जाओ। सूप पीना है। गुरु ऑफर कर रहे हैं टोमेटो सूप, पीना है एकदम, पीना है। पेट बन जाता है। तुम बाहर मेरे खाने की क्वांटिटी इन दोनों के खाने की क्वांटिटी पे शक हो सकता है, पर बाहर मेरे खाने की क्वांटिटी पे नो शक। तुम पर नहीं पूछ रहे हैं, घर से बाहर करने लेते ही क्वांटिटी ट्रिपल। अच्छा घर से बाहर लेते हैं क्वांटिटी ट्रिपल। 2 रोटी इनफ, बाहर में 3 रोटी इनफ, और हर आधे घंटे पे कुछ कुछ खाओ। करेक्ट। अब ये है मेरा 2 साल का बेटा, तो चलिए अभी महाबलेश्वर का फर्स्ट डे। हुडी पहनने के बाद हो जाता है। हाँ हुडी पहनने के बाद 2 साल का बच्चा हो जाता है। और महाबलेश्वर के इस रूम में लोग खाऊ हैं एंड बजाऊ हैं, मींस गैस भी इतना पास कर रहे हैं लोग, कितना तरह तरह के तरह तरह का जो है आपको अंदर में गर्माहट। हम उनको थोड़ा दे रहे हैं, आओ तुम इतने दिनों से सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है ना, इतने दिन से तुम सिर्फ सेम अंदर का नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेके पक गए हो कि आज हम तुमको नया फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। जितना खाओ उतना निकालो, उनको न्यू फ्लेवर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना खाओ उतना निकालो, कुछ आधे घंटे बाद उनको फ्रेंच फ्राई फ्लेवर मिलेगा। ओके तो चलिए मिलते हैं थोड़े देर के बाद। तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30 हो रहा है और डिनर वगैरह सब हो चुका है। डिनर सॉरी नहीं दिखला पाई, एक्चुअली दिमाग में ही नहीं रहा, तो डिनर में हुआ है वही फुल्का और मेरा और गोल्डी का क्या था गुड्डू, तवा कढ़ाही पनीर और गुड्डू और बटर चिकन था और जीरा राइस था। और एक्चुअली आज का घटना ये हुआ है, इस घटना से आप सीख ले लीजिए, मैं बाहर जब दोपहर के टाइम में बाहर गई थी तो एक बिल्ली थी। हाँ यहाँ पे तो बंदर और बिल्लियों का ही जमावड़ा है, तो एक बिल्ली थी तो उसको मैं बस एक बार बस आवाज दी, क्या बोली, बिल्ली मौसी। अब वो बिल्ली मौसी मेरा इतना पीछा कर दी है कि वो जहाँ
पूरा कॉटेज को छोड़ करके हमारे कॉटेज के गेट के बाहर बैठी हुई है। मिस इस समय अगर आप जाना चाहोगे गेट खोल के जो सामने बैठी जी, मतलब मेरा कॉटेज का रूम आप खोलोगे और गेट के बाहर बैठी है और बाहर नॉक कर रही है। मैंने क्या कि इतना पुचकारा कौन था, बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी। बोले कि मैं तो सिर्फ एक बार पुचकारी बिल्ली मौसी, अब मुझे क्या पता था कि एक बार पुचकारना मेरे लिए इतना भारी पड़ेगा। तो चलिए आज महाबलेश्वर का फर्स्ट डे जो है आज यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। हाँ खत्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर कल के नए ब्लॉग में और महाबलेश्वर डे टू में कहाँ कहाँ घूमूंगी क्या घूमूंगी वो सब आप सबको दिखलाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लग गया तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।